नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी सेक्टर के टॉप 10 शेयर के बारे में। जो आने वाले समय है उसमें आईटी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो स्टॉक है आपको काफी बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। तो आने वाला जो समय है, इस तरह से हम बायकॉट चाइना करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम आत्मनिर्भर होंगे किसमें? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दूसरा आईटी सेक्टर। और ऐसे भी इंडिया का जो आईटी सेक्टर है उसकी कंपनियां वर्ल्ड को लीड करती है। टीसीएस जो आपको सबसे बड़ी मतलब इंडिया की टेक कंपनियों में देखा जाता है और साथ ही साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है टीसीएस मार्केट कैपिटलाइजेशन में। तो दोस्तों आईटी सेक्टर जो है उसमें काफी मतलब आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा आने वाले समय में, तो इसलिए आईटी सेक्टर में जरूर इन्वेस्ट करें। अच्छा डिविडेंड भी मिलता है, अच्छा बोनस शेयर भी मिलता है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेहतरीन स्टॉक्स है, एवरग्रीन सेक्टर है, क्योंकि किसी भी पैंडमिक से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है इन सारे स्टॉक्स पे। इसमें हम टॉप 10 स्टॉक्स बताएंगे आपको आईटी सेक्टर्स के, क्योंकि ये एवरग्रीन सेक्टर है, इसलिए हमेशा याद रहे आपको 10 स्टॉक में जो अच्छा लगता है आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए हमने टॉप 10 स्टॉक्स आपको बता रहे हैं, इसमें कुछ मिड कैप हैं, कुछ लार्ज कैप हैं। तो यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले टाटा एलेक्सी लिमिटेड, टाटा ग्रुप का ये स्टॉक है, काफी बेहतरीन स्टॉक है। साथ ही साथ जब अब टाटा ग्रुप हो गया, एचडीएफसी ग्रुप हो गया, बजाज ग्रुप, इस ग्रुप के साथ जाते हैं तो आपको बेहतरीन मैनेजमेंट मिलता है, मैनेजमेंट आपको काफी अच्छा मिलेगा। साथ साथ ये जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है, सबके प्रमोटर्स एक है, तो किसी कंपनी पर डेट है तो वो डेट वो किसी भी समय मतलब कंपनी का पे कर सकता है। तो इस तरह से आपको डेट का भी थोड़ा बहुत है तो उसका भी कोई खास मतलब ध्यान नहीं रखना पड़ता है, सिर्फ कंपनी का परफॉर्मेंस ध्यान रखना है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही हो। तो इसका मार्केट कैप देख लीजिए, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है टाटा एलेक्सी का। करेंट प्राइस की बात करें तो 2479 रुपीज़ इसका करेंट प्राइस है, और मिनिमम प्राइस देख लीजिए मात्र 500 पर ये स्टॉक आपको मिल रहा था जब पैंडमिक में गिरावट आया था, और ये अपने अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है। और यहाँ पर बात करें तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर 53 रुपीज़ का है, और इसका जो ग्रोथ है प्रॉफिट का 36% का ग्रोथ है, और नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का 335 करोड़ का हुआ है। वहीं कंपनी के ऊपर जो डेट है 541 करोड़ का, और जो कंपनी के पास रिजर्व है 1072 करोड़ का, और कंपनी का इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। तो इन सारे बातों को एकदम गौर से आपको ध्यान रखना है। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.67% का डिविडेंड यील्ड है, तो डिविडेंड यील्ड काफ़ी कम है, क्योंकि जो आईटी सेक्टर के स्टॉक है जनरली जो इन्फोसिस हो गया आपको, और जो आपको एलएनटी इन्फोटेक हो गया, तो कई सारे स्टॉक है जिसका डिविडेंड यील्ड इससे काफ़ी बेहतरीन है, 1% से भी ज़्यादा है, तो इसका डिविडेंड यील्ड आपको कम मिल रहा है। फिर टीसीएस का भी डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा है। अगर स्टॉक के पी की बात करें तो 46 का पी है, और जबकि इंडस्ट्री का पी जो देख सकते हैं 22 का मात्र है, तो इंडस्ट्री के पी से काफ़ी मतलब ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो काफ़ी महंगा स्टॉक है क्योंकि इंडस्ट्री के पी से दोगुने से भी ज़्यादा है। वहीं बुक वैल्यू की बात करें, कंपनी का बुक वैल्यू जो है 182 का है, तो बुक वैल्यू जो है कंपनी का अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है, काफ़ी अच्छा है बुक वैल्यू। अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो कंपनी का जो रिटर्न है वो काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप चार्ट पर रिटर्न देखें तो कंपनी का चार्ट आपको दिखाते हैं लॉन्ग टर्म का चार्ट, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं वीडियो में लॉन्ग टर्म के बात करते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न किस तरह का लेना है, तो आप लॉन्ग टर्म के अनुसार ही कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो लॉन्ग टर्म का चार्ट देख लीजिए कितना सॉलिड है, काफ़ी बेहतरीन चार्ट है लॉन्ग टर्म का। तो कंपनी का चार्ट जो है लॉन्ग टर्म में काफ़ी सॉलिड रहा है। अगर कंपनी का रिटर्न की बात करें लॉन्ग टर्म में, तो देख सकते हैं 4000% का रिटर्न है, और कभी गिरावट पर आप बाय किए होते तो और ज़्यादा रिटर्न आपको मिलता, और अगर किसी गिरावट में बाय करते जैसे 2001-2003 के गिरावट में, देख सकते 7000% का रिटर्न। तो दोस्तों रिटर्न काफ़ी बेहतरीन है, और आप चाहें तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे है। देख सकते हैं यहाँ पर 500 रुपीज़ पर मिल रहा था, अभी ये अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पर करेक्शन मिल सकता है आपको, तो करेक्शन पे आप इन्वेस्ट करेंगे और स्टॉक में एसआईपी करेंगे। हमेशा आपको बताते हैं कि स्टॉक में भी आपको एसआईपी करना है, तो इस तरह से आपको हर लेवल पे जो गिरावट आता है तो बाय ऑन डिप्स करना है, ऊपर जाता है तो ऊपर के लेवल पर हम उसमें एसआईपी करेंगे। उसके बाद दूसरी जो कंपनी है हमारे नाइन्थ नंबर पे हमारा है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर लिमिटेड। इसका जो मार्केट कैप है वो है 28,000 का, देखते हैं मार्केट कैप 28,000 का। वहीं इसका जो प्राइस है वो 3,316 रुपीज़ का, और इसका लो प्राइस की बात करें 1,506 रुपीज़ इसका लोवेस्ट प्राइस है, जबकि हाईएस्ट प्राइस 3,544 का है। तो हाईएस्ट प्राइस देखते हैं अभी भी ये दोगुने प्राइस से भी ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, जो इसका लोवेस्ट प्राइस था इस ईयर का। वहीं स्टॉक के पी की बात करें तो 17.9 का पी है, जबकि इंडस्ट्री का पी है 22.8 का, तो पी जो है स्टॉक का काफ़ी सस्ता है इंडस्ट्री के पी से।
वहीं प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें 73.3% का प्रमोटर्स का होल्डिंग है, प्रमोटर्स का होल्डिंग अच्छा खासा है। अगर बात करें डेट का, तो कंपनी के ऊपर जो डेट है 93 करोड़ का, जबकि रिजर्व है कंपनी के पास 5,886 करोड़ का। कंपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1598 करोड़, देख सकते हैं 1598 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है, और जो ग्रोथ है प्रॉफिट में वो 16.8% का है। तो कंपनी का जो ऑल फंडामेंटल्स है काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी सॉलिड है। कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट है जो कि इजीली कंपनी दे सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं 1600 करोड़ के आसपास कंपनी का एनुअल प्रॉफिट है एक साल का, तो आसानी से कंपनी अपना डेट पे कर सकती है। तो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी सॉलिड है। और वहीं बात करें कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, 39% का कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उस पर रिटर्न है, और वहीं इक्विटी पर रिटर्न जो है कंपनी का 25.4% का है। तो कंपनी अच्छा खासा मतलब रिटर्न दिया है अपने इक्विटी पर, तो काफ़ी अच्छा है। जो 20 से ऊपर हो रिटर्न ऑन इक्विटी तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। वहीं बात करें इसके लॉन्ग टर्म चार्ट का, तो लॉन्ग टर्म चार्ट पर आप देखेंगे तो कंपनी लॉन्ग टर्म चार्ट पर कैसी दिखती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी का लॉन्ग टर्म चार्ट काफ़ी मायने रखता है। तो लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए काफ़ी सॉलिड है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा 2018 से यहाँ पर करेक्शन देखने मिला है, और काफ़ी नीचे प्राइस पर आपको ये शेयर मिल रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप कंपनी के शेयर प्राइस को देखें तो पहले काफ़ी सॉलिड था, गिरावट बीच बीच में हुआ है 2018 जब मार्केट क्रैश हुआ उस समय भी गिरावट हुआ। अभी 2018 से ये शेयर जो है काफ़ी नीचे आया था, और यहाँ से रिकवरी काफ़ी फास्ट हुआ। तो अभी कंपनी में थोड़ा सा मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि गिरावट आपको देखने मिला है। ओवरऑल कंपनी का चार्ट काफ़ी सॉलिड है। अभी भी तब पर भी बात करें यहाँ से तो कंपनी का जो रिटर्न है अभी भी देख लीजिए 1132% का है रिटर्न, तो रिटर्न काफ़ी सॉलिड है। और साथ ही साथ डिविडेंड देख लीजिए 5.47% का डिविडेंड यील्ड है, तो डिविडेंड यील्ड काफ़ी शानदार है। मतलब इतना डिविडेंड यील्ड 2020 में दिखा रहा है, क्योंकि 2019 में कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया था, तो उसके बदले 2020 में काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड दिया है। ऐसे 2 से 2.5% इसका डिविडेंड यील्ड है, जो कि काफ़ी शानदार है। आठवें नंबर की कंपनी हमारा, आठवें नंबर पर हमारा एम्फेसिस लिमिटेड। इस कंपनी का देखिए मार्केट कैप है 29,000 करोड़ का, और जो करेंट प्राइस है 1,591 रुपीज़, और इसका लोवेस्ट प्राइस देखिएगा इस साल का तो 52 वी का लो प्राइस तो 612 रुपया था, और वहीं साल का जो 52 वीक का जो हाई प्राइस है वो 1735 रुपया है। अगर पी की बात करें तो स्टॉक का पी 23 रुपया का है, और जो बुक वैल्यू है कंपनी का वो 312 रुपया का है, देखते हैं बुक वैल्यू। और डिविडेंड यील्ड की बात करें 2.20% का डिविडेंड यील्ड है, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 26% का है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.4% का है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रमोटर्स का होल्डिंग 56% का है, और जो कोई भी शेयर यहां पर प्लिस्ड नहीं है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें कंपनी का जो नेट एनुअल प्रॉफिट है वो 1253 करोड़ का है, जब कंपनी के ऊपर डेट 571 करोड़ का है, और कंपनी जो इन्वेस्ट कर रखा है 1326 करोड़ का, तो इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी है 1326 करोड़ का। वहीं कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 5643 करोड़ का है, और कंपनी जो प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ है 14.2% का। तो ये प्रॉफिट में ग्रोथ हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि प्रॉफिट में ग्रोथ कितना है। तो इंडस्ट्री के पे की बात करें तो इंडस्ट्री का पे 22.8 का है, जबकि स्टॉक का पे मात्र 23 है, तो मतलब इंडस्ट्री के पे के जस्ट इक्वल है। तो कंपनी काफ़ी अच्छे प्राइस पे अभी ट्रेड हो रहा है, तो आप चाहें तो अभी इसमें SIP स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्टॉक में SIP ही करना है। धीरे धीरे प्राइस पे अगर प्राइस नीचे आता है तो नीचे के प्राइस पर करेंगे, ऊपर जाता है तो ऊपर के प्राइस पर करेंगे। अगर लॉन्ग टर्म की रिटर्न की बात करें तो कंपनी का चार्ट काफ़ी सॉलिड है, और रिटर्न देख लीजिए 6000% का रिटर्न दिया है कंपनी ने लॉन्ग टर्म में। तो कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट काफ़ी सॉलिड है, और लॉन्ग टर्म में जो कंपनी का रिटर्न है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पर देखते हैं लॉन्ग टर्म का रिटर्न काफ़ी सॉलिड है, और इसका डिविडेंड यील्ड देख लेते हैं तो 2.21% का है, जो कि पहले भी आपको बताया था। तो जो आपको IT स्टॉक दिखते हैं काफ़ी मतलब टेक्निकल चार्ट पे सॉलिड दिखेंगे, क्योंकि जो IT स्टॉक्स है इंडिया का काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म किया है पिछले कई सालों से। तो IT सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्ट करना तो ज़रूर बनता है, क्योंकि अच्छा खासा डिविडेंड भी मिलता है। आप देखिए यहाँ पर आपको 2.21% का डिविडेंड यील्ड दिखा रहा है, अगर इसको आधे प्राइस पर आप बाय किए रहते तो ये आपके लिए कितना होता 4% का, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट ही रहते तो ये लगभग 50% आपका हो गया डिविडेंड यील्ड ही। मतलब जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट किए तो उसका 50% हर साल लीजिए, तो यही होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप 10 साल के लिए अगले 15 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो जितना आप अमाउंट आप इन्वेस्ट किए उससे ज़्यादा आपको डिविडेंड प्राप्त होता है।
तो ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मैजिक जो धीरे धीरे आपको सीखने मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा इन्वेस्ट कीजिए। इसमें से आपको कुछ अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करना है, 10 स्टॉक आपको बताने, आपका सबसे फेवरेट स्टॉक कौन सा है, इसमें 3 स्टॉक आपको बताना है जो आपका सबसे फेवरेट है। उसके बाद अगला जो स्टॉक है हमारा, मतलब छठी नंबर पर जो स्टॉक है हमारा, वो है लार्सन एंड टूर्बो इन्फोटेक। लार्सन एंड टूर्बो इन्फोटेक लिमिटेड दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है। इसका लार्सन एंड टूर्बो लिमिटेड, जो लार्सन एंड टूर्बो है इसकी प्रमोटर्स कंपनी है, मतलब इसकी पेरेंट कंपनी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यह लार्सन एंड टूर्बो ग्रुप की कंपनी है क्योंकि इसका प्रमोटर्स लार्सन एंड टूर्बो है। और इसका मार्केट कैप की बात करें तो देखिए 68,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, मतलब ये एक लार्ज कैप कंपनी है। पहले आपने देखा कई सारी मिड कैप कंपनी थी। करेंट प्राइस देखते 3894 रुपया है। अगर 52 वीक लो प्राइस की बात करें 1208 रुपया, और 52 वीक जो हाई प्राइस है 4500 रुपया, तो अपने लगभग 52 वीक हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। अब बात करें कंपनी का जो डेट है, कंपनी का डेट रिजर्व ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो डेट 861 करोड़ का है, जबकि कंपनी का जो रिजर्व है 6308 करोड़ का है। और वहीं कंपनी जो इन्वेस्ट कर रखा है 2959 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है कंपनी। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है 1818 करोड़ का है, तो नेट प्रॉफिट 1818 करोड़ का है। और जो प्रॉफिट में ग्रोथ है वो 23.7% का प्रॉफिट में ग्रोथ है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें 74.3% का प्रमोटर्स का होल्डिंग है कंपनी में। कोई भी शेयर प्लेस नहीं कर रखा है कंपनी, तो यहाँ पर देखते हैं कंपनी का शेयर प्लेस जो है परसेंटेज वो बिल्कुल जीरो है। और जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट कंपनी का वो 40% का कैपिटल एम्प्लॉयमेंट पे रिटर्न है। और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 29.5% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। और डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड जो है कंपनी का 0.72% का डिविडेंड यील्ड है। तो डिविडेंड यील्ड कंपनी का देखते हैं, इसका भी 1% से कम है। और कंपनी का जो बुक वैल्यू है 362 रुपीज़ का है। और जो स्टॉक का पी है 37.4 का है, और जबकि इंडस्ट्री का पी 28.9 का है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कंपनी का जो स्टॉक है वो इंडस्ट्री से महंगा है, क्योंकि स्टॉक का जो पी है इंडस्ट्री के पी से महंगा है। तो आप थोड़ा सा करेक्शन का वेट कर सकते हैं, अगर करेक्शन आता है तब आप बाय करेंगे। अर्निंग पर शेयर कंपनी का 104 रुपीज़ है। तो सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स देखते हैं, कंपनी के ऊपर जो थोड़ा सा डेट है वो इजिली दिया जा सकता है, क्योंकि 1818 करोड़ का एनुअल प्रॉफिट है और डेट उसका आधा है। तो आसानी से कंपनी अपना डेट पे कर सकती है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और एक लार्ज कैप कंपनी है। तो काफ़ी बेहतरीन है। इन सारे स्टॉक्स में आपको 3 फेवरेट स्टॉक आपको बताना है कि 3 सबसे फेवरेट स्टॉक आईटी सेक्टर के कौन से हैं इन 10 स्टॉक में जो कि आपको हम इस वीडियो में बता रहे हैं। वही लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें तो लॉन्ग टर्म चार्ट इसका भी काफ़ी सॉलिड है। देखते हैं कंपनी का जो लॉन्ग टर्म चार्ट है काफ़ी सॉलिड है, और जो कंपनी है लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। मतलब पिछले 2016 से अभी तक में 484% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। हर साल 100% का रिटर्न लगभग, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। और ऐसी बेहतरीन कंपनी आप जरूर इन्वेस्ट करें। अगर चार्ट देखें तो काफ़ी अपट्रेंड है, देखते हैं चार्ट लगातार अपट्रेंड में है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी मतलब ऑल टाइम हाई पे है, तो यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आपको देखने मिल सकता है। तो करेक्शन का वेट करेंगे, उस अपॉर्चुनिटी में हम गिरावट में इन्वेस्ट करेंगे। अगला जो कंपनी हमारा पाँचवें नंबर पर, वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा ये 5th लार्जेस्ट कंपनी है आईटी सेक्टर की। और इसका मार्केट कैप देख लीजिए तो 94,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करेंट प्राइस है 972 रुपये का। और जो कंपनी का 52 वीक लो जो प्राइस था 470 रुपये का, और जो 52 वीक हाई प्राइस था 1082 रुपये का। अगर स्टॉक के पी की बात करें तो 24.4 रुपये इसका स्टॉक का पी है, जबकि इंडस्ट्री का पी 28.90 रुपये है। प्रमोटर्स को होल्डिंग की बात करें 35.8% प्रमोटर्स का होल्डिंग है। कोई भी शेयर प्लेस्ड नहीं है प्रमोटर्स का। और वहीं बात करें कंपनी के डेट का, तो 2892 करोड़ का कंपनी का ऊपर डेट है, और जबकि कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 23,256 करोड़ का है। और कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो 7216 करोड़ का। और जो कंपनी हर साल प्रॉफिट करती है, हर साल जो प्रॉफिट कमाती है वो है 3987 का। तो 3987 का कंपनी हर साल प्रॉफिट कमाती है, और प्रॉफिट में ग्रोथ इस बार नेगेटिव रहा है। वही कंपनी जो डिविडेंड पे करती है 1.54% का, तो डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा है। 1% से ज़्यादा हो तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड यील्ड माना जाता है, और लॉन्ग टर्म में ये डिविडेंड आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव रहता है। और बुक वैल्यू की बात करें तो 245 का बुक वैल्यू है कंपनी का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड
22.4% का है और जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी 18.5 का है। तो काफ़ी अच्छा है, कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा सा कंपनी के ऊपर जो डेट है 3000 करोड़ का, तो वो कंपनी आसानी से पे कर सकती है क्योंकि 4000 करोड़ एनुअल प्रॉफिट है कंपनी का। तो जो एक साल का प्रॉफिट है उससे भी कम कंपनी के ऊपर डेट है जो कि आसानी से कंपनी दे सकता है। और वहीं बात करें लॉन्ग टर्म चार्ट का, कंपनी का जो लॉन्ग टर्म चार्ट है उसको देख लेते हैं। कंपनी लॉन्ग टर्म चार्ट पे कैसे दिखती है, तो कंपनी का लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखिए काफ़ी सॉलिड है। थोड़ा सा यहाँ पर जो इस कंपनी का चार्ट देखने से लगता है एक अप साइकिल आता है और एक डाउन साइकिल। यहाँ पर देखते हैं कंपनी का शेयर प्राइस जो है 2006 में भी 150 रुपीज से गया 450 रुपीज तक और वहाँ से फिर करेक्ट होकर आया मात्र 66 रुपीज तक। मात्र 66 रुपीज में 2008 में मिल रहा था, फिर से वहाँ अप ट्रेंड में गया फिर से, और यहाँ पर देखते हैं 700 का हाई बनाया और फिर से वहाँ करेक्शन आता है और कंपनी का शेयर प्राइस जो लगभग 388 रुपीज़ तक आता है। फिर से कंपनी यहाँ पर देखते हैं लगातार अप ट्रेंड में है। तो ये थोड़ा सा अप साइकिल और डाउन साइकिल में चलने वाला स्टॉक है। ओवरऑल कंपनी का जो प्राइस ट्रेंड है, मतलब जो टेक्निकल चार्ट पे हम प्राइस ट्रेंड की बात करें, तो ओवरऑल ठीक है। कंपनी का शेयर प्राइस लगभग चार्ट जो है लगातार अप ट्रेंड में ही है, लेकिन थोड़ा सा अप साइकिल और डाउन साइकिल में स्टॉक रहता है। तो थोड़ा सा जब गिरावट आए तो बाय ऑन डिप्स में आपको करना है, मतलब बाय ऑन डिप पे इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं इस स्टॉक में। हर चीज़ ठीक है, कंपनी महिंद्रा ग्रुप की है कंपनी, तो वो भी अच्छा है, ग्रुप ऑफ कंपनी भी काफ़ी अच्छी है। चौथे नंबर पर स्टॉक है वो है विप्रो। विप्रो हर कोई जानता है, स्टॉक मार्केट में सबसे अधिक रिटर्न देने वालों में विप्रो जो है नंबर वन पे है। लेकिन दोस्तों जब हम विप्रो को नंबर वन कहते हैं रिटर्न देने में, तो हम पिछले 50 साल का रिटर्न लेते हैं। अगर 50 साल का रिटर्न ना लेकर के पिछले 20 साल का रिटर्न लें, तो विप्रो से कई सारे ऐसे स्टॉक है जो ज्यादा रिटर्न दिए हैं। जैसे मैं आपको बजाज फाइनेंस मिल जाएगा, उसके साथ ही साथ आपको जो है मदरसन सुम्मी मिल जाएगा। मदरसन सुम्मी जो विप्रो बजाज फाइनेंस से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है, मतलब इन सारे स्टॉक से भी ज़्यादा मदरसन सुम्मी ने रिटर्न दिया है। तो इसलिए अगर आप टाइम होराइजन की बात करें तो लाइफ टाइम में, मतलब पिछले 50 साल में विप्रो सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, लेकिन जो मदरसन सुम्मी है 20 साल में वो 2,00,000% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों ये सारा रिटर्न जो होता है सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट में मिल सकता है, इतना बेहतरीन रिटर्न। वही बात करते हैं अब हम विप्रो का, तो इसका मार्केट कैप है 2,49,000 करोड़ का। तो एक बहुत ही ब्लू चिप कंपनी है और इसका करेंट प्राइस जो है 437 रुपीज़ है और इसका जो 52 वीक लो प्राइस है 159 रुपया, मात्र 160 रुपया में स्टॉक मिल रहा था। देख सकते हैं वहां से 3 गुना हो चुका है ये स्टॉक। और अगर इस कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो थोड़ा सा कंपनी के ऊपर डेट है, यहाँ पर देखते हैं 7,105 करोड़ का, जबकि कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट ही काफ़ी ज़्यादा है। देखते हैं 26,787 करोड़ का कंपनी का इन्वेस्टमेंट ही है और कंपनी का जो एनुअल प्रॉफिट है एक साल का प्रॉफिट वो 10,000 करोड़ का है। तो आप समझ सकते हैं ये डेट जो है कंपनी आसानी से चुका सकती है। तो कंपनी के ऊपर डेट जो है मामूली है क्योंकि एक ब्लू चिप कंपनी है और बिजनेस काफ़ी मतलब वेल एस्टेब्लिश्ड है कंपनी का और इन्वेस्टमेंट भी कंपनी काफ़ी है। साथ ही साथ कंपनी के पास रिजर्व देख लीजिए 59,698 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। तो आसानी से कंपनी अपना हर चीज़ पे कर सकती है। साथ ही साथ इतने बड़े कंपनी के प्रॉफिट में आपको ग्रोथ दिख रहा है, जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी हो चुकी है और उसमें भी प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग बात करें जो मैक्सिमम प्रमोटर्स होल्डिंग हो सकता है 75, उसके आसपास है प्रमोटर्स का होल्डिंग इतनी बड़ी कंपनी में। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड देखते हैं 0.23% का डिविडेंड यील्ड कम है, लेकिन दोस्तों याद रहे ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा बोनस देती है। तो बोनस शेयर से आपका जो नंबर ऑफ शेयर है वो कंपाउंड हो जाता है, वो नंबर ऑफ शेयर्स आपके काफ़ी हो जाते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिविडेंड देने से भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड प्राप्त होता है। तो ये कंपनी हर चीज़ में नंबर वन है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। अगर स्टॉक के पी की बात करें 24 का है और इंडस्ट्री का पी देख लीजिए 28.9 का है। अभी भी ये स्टॉक इंडस्ट्री से काफ़ी सस्ते प्राइस पर आपको मिल रहा है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड की बात करें तो 19.9% का रिटर्न है कैपिटल इम्प्लाइड पे और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 17.5% का जो है रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो हर चीज़ काफ़ी बेहतरीन है, कंपनी काफ़ी अच्छी है और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन आपको वेल्थ क्रिएट करके देगी, क्योंकि अपने सारे इन्वेस्टर को अच्छा वेल्थ क्रिएट किया है इस कंपनी ने। अगर बात करें
लॉन्ग टर्म के चार्ट का, तो लॉन्ग टर्म चार्ट देख लीजिए काफ़ी सॉलिड है और काफ़ी मतलब अपटेंड रहने वाला है। सिर्फ ये आप एक्सेप्शन छोड़ दें, ये जो कंपनी का यहाँ एक प्राइस में जंप हुआ था इसको छोड़ दें, कंपनी का चार्ट देख लीजिए कितना सॉलिड है। यहाँ पर आप चार्ट देख लीजिए, कंपनी का चार्ट जो है लगातार देख सकते हैं अप ट्रेंड में, और यहाँ पर तो ये लगभग ब्रेकआउट सा दे चुका है, ये जो ट्रेंड था इस ट्रेंड से भी काफी ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको करेक्शन देखने मिल सकता है, तो आप करेक्शन में बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं इस स्टॉक को। इसलिए जब भी स्टॉक डिप में मिले तो उसमें SIP स्टार्ट रखिए, तो बाय ऑन डिप्स करते रहना है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। अब चलते हैं हम अपने तीसरे नंबर के स्टॉक, तीसरा नंबर स्टॉक जो है हमारा वो SL टेक्नोलॉजी जो कि डोमेस्टिक मार्केट पे काफ़ी पकड़ है इस IT कंपनी का, और काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। आने वाले समय में ये स्टॉक IT सेक्टर के जो सारी लार्ज कैप स्टॉक है उससे ज़्यादा रिटर्न आपको दे सकता है। 2,57,000 करोड़ का मार्केट कैप है, करेंट प्राइस 948 रुपये का है। अगर बात करें 52 वीक लो जो एक साल का न्यूनतम प्राइस है वो 375 रुपये, देख सकते हैं कितना सस्ते वैल्यूएशन पे ये स्टॉक मिल रहा था, जबकि जो 52 वीक का हाई प्राइस है 1,074 रुपया जो कि यहाँ से देखते हैं 3 गुना है, मतलब यहाँ से ये स्टॉक 3 times हो चुका था और अभी थोड़ा सा करेक्ट होकर के स्टॉक आपको 948 रुपये में मिल रहा है। अगर बात करें स्टॉक के PE का तो 19.4 का PE है जो कि इंडस्ट्री के PE से देखते हैं काफ़ी सस्ते PE पे अभी भी स्टॉक मिल रहा है, तो काफ़ी सस्ता PE है इस स्टॉक का, काफ़ी सस्ते PE पे आपको मिल रहा है। अगर डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर डेट भी है, देखते हैं 5,466 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर, जबकि कंपनी एनुअली जो प्रॉफिट कमाती है वो है 13,223 करोड़ का, तो आसानी से कंपनी इस डेट को पे कर सकती है। साथ साथ इतनी बड़ी कंपनी का आप देखिए प्रॉफिट में ग्रोथ 26% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट में ग्रोथ है, और कंपनी में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो भी अच्छा खासा है, 60% का प्रमोटर्स का होल्डिंग है कंपनी में जो काफ़ी बेहतरीन है। और रिजर्व की बात करें 56,000 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, 56,000 करोड़ का, और साथ ही साथ कंपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, 5,693 करोड़ का कंपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, तो कंपनी हर पैरामीटर पे काफ़ी बेहतरीन है। और साथ ही साथ डिविडेंड यील्ड भी देख लीजिए, 1% का डिविडेंड यील्ड है, तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी शानदार है, और कंपनी का बुक वैल्यू भी 209 का है, और कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 27% का है, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो 23% का है, तो आप कंपनी देख सकते हैं हर पैरामीटर्स पे काफ़ी बेहतरीन है, तो आप इस तरह की कंपनी में जरूर इन्वेस्ट करें, और साथ साथ डिविडेंड भी मिलता है, और जो लॉन्ग टर्म में है वो और अच्छा खासा डिविडेंड आपको मिलेगा, काफ़ी बेहतरीन डिविडेंड आपको आने वाले समय में मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें तो कंपनी का चार्ट तो काफ़ी सॉलिड है, इस कंपनी के चार्ट देख करके आप बता दीजिएगा कि ये कंपनी बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। सिर्फ यहाँ से शुरुआत यहाँ से जो है पिछले 20 साल में यहाँ जो 20 साल का जो शुरुआत था यहाँ पर सिर्फ छोड़ दें तो 2020 से लेके 2003 तक के समय को छोड़ दें तो ये कंपनी का जो चार्ट है काफ़ी सॉलिड है, और अगर 2003 से अभी तक का रिटर्न देखेंगे 5,000% का रिटर्न है जो कि काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि आपको डिविडेंड भी इस कंपनी में काफ़ी अच्छा मिलता है, और कंपनी ये भी कंपनी बोनस शेयर काफ़ी बार दिया है, तो IT सेक्टर के स्टॉक में आपको बोनस शेयर भी रेगुलर इंटरवल मिलता है, साथ साथ कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है, तो एक हाथ में कई सारे लड्डू हैं, डिविडेंड भी मिलेगा, बोनस शेयर भी मिलेगा, और ग्रोथ भी मिलेगा। तो दोस्तों अब आते हैं दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर हमारा इन्फोसिस जो कि हम बार बार बताते रहते हैं। IT सेक्टर अभी सबसे ज़्यादा जो रिटर्न अभी के समय में दे रहा वह है इन्फोसिस, और काफ़ी बोनस शेयर जो दे रहा है अभी स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा वो है इन्फोसिस, और सबसे ज़्यादा डिविडेंड दे रहा है इन्फोसिस, मतलब हर चीज़ में अभी इन्फोसिस नंबर 1 है अभी करेंट टाइम में IT सेक्टर में। और यहाँ बता दीजिए मार्केट कैप इसका कितना है, 5,64,000 करोड़ का, इतनी बड़ी ब्लू चिप कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न देती है ग्रोथ के रूप में, अच्छा खासा बोनस दे देती है, अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है, क्योंकि देख लीजिए डिविडेंड 1.32% का, यही जब स्टॉक 500 का हुआ करता था अपने देखते हैं 52 वीक लो पर, तो ये डिविडेंड 5% के आसपास था। यहाँ पर देख लीजिए जब 52 वीक हाई प्राइस है वो 1,393 रुपये, अपने 52 वीक हाई पे ही लगभग स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1,325 रुपये पे, और कंपनी के ऊपर डेट की बात है तो कंपनी के ऊपर डेट 5,000 करोड़ का है जो कि कुछ खास नहीं है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट देखिएगा तो 18,000 करोड़ का एनुअल प्रॉफिट, मतलब एक साल का प्रॉफिट है, तो इसका तो मात्र 1/3 भी नहीं है, तो आसानी से कंपनी इसको पे कर सकती है। प्रॉफिट में ग्रोथ भी साथ साथ देखिएगा 14% का प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है, प्रमोटर्स का होल्डिंग इस कंपनी में थोड़ा कम है, मात्र 13% का प्रमोटर्स का होल्डिंग है, और कंपनी की बात करें रिजर्व का तो 69,000 करोड़ का कंपनी का रिजर्व है, और कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है 11,000 करोड़ का कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रखा है,
तो 11,000 करोड़ का कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रखा है अपना। और वहीं बात करें तो कंपनी का जो स्टॉक का पी है वो 30 का है, तो स्टॉक का पी कंपनी का 30 का है, जबकि इंडस्ट्री का पी जो है 28.9 का है, तो थोड़ा सा इंडस्ट्री के पी से महंगे पर ये स्टॉक मिल रहा है। ऐसे भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, तो ऐसे बेहतरीन स्टॉक आपको महंगे पी पे ही मिलेंगे। जबकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट जो है 32 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिएगा 25 का है, तो हर चीज़ कंपनी का काफ़ी बेहतरीन है। फेस वैल्यू कंपनी का 5 है, कोई भी प्रमोटर से शेयर प्लीज नहीं है, तो कंपनी हर पैरामीटर्स पे फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का ऊपर जो थोड़ा सा डेट है वो मामूली डेट है, जो कि कंपनी आसानी से पे कर सकती है। वही कंपनी के लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें तो लॉन्ग टर्म चार्ट तो काफ़ी सॉलिड है। इस कंपनी के चार्ट में आपको कहीं कोई डाउट ही नहीं दिखेगा। देखने इस कंपनी के चार्ट में कहीं कुछ कहने का, एक बार चार्ट को ओपन कीजिए आपको दिख जाएगा ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, स्टॉक मार्केट की सबसे बेहतरीन कंपनी। और 11,000% का रिटर्न दिख रहा है, साथ ही साथ दोस्तों ये बोनस भरमार दिया है, भर भर के बोनस दिया अपने शेयर होल्डर को, तो आपका शेयर भी कंपाउंड हो रहा है, साथ साथ आपका जो अमाउंट है वो भी कंपाउंड हो रहा है। तो देखते हैं एक साथ दो कंपाउंडिंग, एक प्राइस का कंपाउंडिंग, दूसरा शेयर का कंपाउंडिंग, दो कंपाउंडिंग एक साथ, इसलिए स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी तेजी से आपका बढ़ता है। और डिविडेंड यील्ड की बात करें 1.61% का डिविडेंड यील्ड है, डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी शानदार है। अब चलते हैं हम जो स्टॉक मार्केट की सबसे नंबर वन कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, वो है TCS, और इसका मार्केट कैप देख लीजिए 12,17,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और करेंट प्राइस देख लिए 3,291 रुपया है, जबकि ये मात्र 1,504 रुपये पर यह मिल रहा था अपने 52-week लो प्राइस जब बनाया था पैंडमिक में गिरावट कारण, और हाई बनाया 3,345 रुपये का। तो ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है जिसमें आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इतने महंगे स्टॉक उसके बाद 1% का डिविडेंड यील्ड, तो समझ सकते हैं 1% का डिविडेंड यील्ड मतलब कितना अच्छा ये डिविडेंड पे करती है। और अगर आप ये लो प्राइस पर ले रहते 52-week लो के आसपास, तो ये डिविडेंड यील्ड आपको मिलता 2% का। तो दोस्तों देख सकते हैं आईटी सेक्टर के सारे स्टॉक का जो डिविडेंड यील्ड है वो 1% से ज़्यादा है, जबकि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे है। और वहीं पर प्रमोटर्स के होल्डिंग की बात करें 72% है, और जिसमें से 2.94% शेयर प्लेस है, तो ये खास नहीं है, बहुत ही मामूली है। और वहीं डेट की बात करें 7,882 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है, जबकि नेट प्रॉफिट इसका 31,233 करोड़ का है, तो इसको आसानी से कंपनी पे कर सकती है, क्योंकि एक साल का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी हाई है, इससे मतलब जो डेट है उसके 4 गुने से भी ज़्यादा। साथ ही साथ कंपनी के पास रिजर्व देख लीजिए 94,762 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, और कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है 36,670 करोड़ का, तो इन्वेस्टमेंट भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। और जो प्रॉफिट में ग्रोथ है वो माइनस में है, मतलब कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट लगभग कांस्टेंट रहता है कंपनी का, थोड़ा सा इस बार आपको डिक्लाइन देख रहा है, नहीं तो प्रॉफिट में ग्रोथ हर बार देखने मिलता है। तो TCS के प्रॉफिट में इस बार थोड़ा सा फ्लैट रहा है। और वहीं पर पी की बात करें 37 का पी है, जबकि इंडस्ट्री का पी 28 का है, तो ये स्टॉक थोड़ा सा महंगे पी पे आपको मिल रहा है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, थोड़े महंगे पी पे हैं आपको मिलेंगे, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है ये भी, आप चाहे तो इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी गिरावट आए तो गिरावट में आपको बाय ऑन डिप्स करना है। अगर बात करें कंपनी के लॉन्ग टर्म रिटर्न का, तो कंपनी का लॉन्ग टर्म रिटर्न काफ़ी सॉलिड है। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम का चार्ट बनाते हैं, यहाँ पर देख लीजिए चार्ट में देखने का इस कंपनी में तो कभी वीकनेस दिखा ही नहीं। देखते हैं इस जो इंफोसिस हो गया, TCS हो गया, इस सब के चार्ट में आप देखिए कभी वीकनेस आया ही नहीं। तो यही कंपनियाँ जो हमारे निफ्टी को ऊपर लेकर चलती है, ये सारे स्टॉक्स जो आपको दिख रहे हैं बड़े बड़े स्टॉक्स, रिलायंस हो गया, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, HUL हो गया, एयरटेल हो गया, तो यहाँ पर देखिएगा इसका रिटर्न तो 2,600% का रिटर्न है। तो ब्लू चिप कंपनी में आपको इतना रिटर्न मिलता है काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि इसमें आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सिक्योर रहता है, इसमें आप आंख बंद करके किसी भी प्राइस पर लगाएंगे लॉन्ग टर्म में आपको पॉजिटिव रिटर्न ही मिलेगा। तो आप इसमें स्टाइपी जरूर स्टार्ट करें, जो ब्लू चिप कंपनियां इसके खास करके है, इन्फोसिस हो गया, SCL हो गया, विप्रो हो गया, TCS, ये किसी भी प्राइस पर आप इसमें बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जब आपका इन्वेस्टमेंट का होराइजन 5 इयर्स 10 इयर्स का हो। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, अपने 3 फेवरेट स्टॉक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जब पहली बार हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफ़ी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है, और
इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है, और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज़ पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।